की जब मुलाकात हुई, हमने धर्म को हिंसा में बदल दिया है, जबकि धर्म का असली मर्म है अहिंसा परमो धर्म। श्रोता भाई, मेरा आज का वक्तव्य विषय है धर्म का वास्तविक स्वरूप। हमारे शास्त्रों में लिखा है, धर्म यो बाधते धर्म नासा धर्म कुधर्म तत्, धर्मा विरोधी यो धर्म सधर्म सत्य विक्रम। अर्थात जो धर्म की राह में बाधा बने वह धर्म नहीं अधर्म है, और जो विरोध में स्थित रहे वही धर्म है। संसार में हमेशा ही धार्मिक मतावलंबियों के साथ साथ उनको ना मानने वालों का स्थान भी रहा। संत कबीर ने अपने दौर में धर्म पर कई सवाल उठाए, लेकिन फर्क केवल इतना है महोदय, कबीर उसे तर्क के साथ निभाने गए, जबकि आज के दौर में इसका कोई भी स्थान शेष नहीं बचा। दुनिया का इतिहास गवाह है मान्यवर, मनुष्य ने जब जब धर्म को अपने स्वार्थ के अनुसार परिभाषित किया है, तब तब मानवता ने खून के आंसू रोए हैं। इसी स्वार्थ ने हिटलर पैदा किया, इसी से कर्बला की धरती लाल हुई, इसी से 1984 के दंगे भड़के, और इसी स्वार्थ ने आज धर्म को जिहाद की परिभाषा में बांध दिया है। आप सब भी मुझसे सहमत होंगे कि जितने लोग धर्म के नाम पर कुर्बान कर दिए गए, अरे उतने तो महायुद्ध में भी नहीं मरे होंगे। सियासत के लोग ने हमें ये भुला दिया है, मस्जिद मेरी तू क्यों टावे, मैं क्यों टावा मंदिर नू, ओ खून का तेरा मेरा लगना, तेरे मेरे खंजर नू। आज परिस्थितियां इतनी भयावह हो गई है मान्यवर की, हम अपनी ही संस्कृति से मुंह मोड़कर अपने भीतर धर्म को कर्तव्य के रूप में समाने की बजाय बाहर तलाश रहे हैं। दुनिया भर में फैला डेरावाद इसकी गवाही देता है जनाब, जब सुनारिया जेल के बाहर लगे बोर्ड पर लोग तिलक लगाकर माथा टेकते हैं। 6 साल से समाधि में ली सच्ची सरकार की जय, चटनी के साथ समोसा कब खाया था, कृपा वही अटकी पड़ी है। धर्म को तो दुकानों में ऐसे बेचा जा रहा है जैसे कोई फेयर एंड लवली की खरीद। महाभारत में मुनि व्यास ने कहा है, धर्मस्य तत्व निहितम गुहाया। विडंबना तो ये है जनाब कि आज हम इंसान ना रहकर हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई हो गए हैं, ये भूल कर कि इंसानियत से हर कौम जननी, तो मजहब इंसानियत से बड़ा कैसे हुआ। अरे भाई, नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। धर्म का असली मर्म है इंसान को इंसान बनाना, वेदों में कहा गया मनुर्भव। लेकिन अगर हम आज भी मनुष्य ना बने तो कहीं ऐसा ना हो महोदय, हमें पछताना पड़ जाए। मस्जिद तो हुई खास